हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमबी टीचिंग पॉइंट। आज हम चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्जाम्स कॉन्सेप्ट टॉक का। हमारा ये वीडियो है जिसपे हम आज फिजिक्स के जो वर्ड हैं जो हमको कंफ्यूजन करते हैं उसको हम चर्चा करेंगे। एक हिसाब से यह शब्दावली है जो बेस को मजबूत करेगी। इसके बाद हम टॉपिक्स पे आएंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है वह गति है। ठीक है, गति है, इट मीन्स मोशन। ठीक है, गति का मतलब मोशन से है, मोशन। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें ये बात किया जा रहा है कि तो एक हिसाब से ये देखिए यहां से कि कोई एक ऑब्जेक्ट लेके एक आकर्षण जिससे एक केंद्र पे बंधा हुआ हो, इसके बाद चारों साइड उस पर एक स्पीड डाला जाता है। ठीक है, एक चाल से जब घुमाया जाता है तो उसको हम का मोशन करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि गति। ठीक है, मोशन वह पूरे घूमने लगता है। तो ये देखिए बोला गया इसको सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर क्योंकि वह क्या है, सर्कुलर में है, एक वृत्ताकार है, तो उसको इसलिए हम उसको बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स हैं उस पर हम आइए चर्चा करते हैं। एक होता है हमारा विस्थापन, एक होती है हमारी दूरी। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन काफी बार होता है कि लेट एक व्यक्ति अपने एक बच्चा छात्र स्कूल घर से स्कूल के लिए निकलता है। ठीक है, घर से स्कूल के लिए निकलता है और उसकी जो दूरी है 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, यह स्कूल है। अब इसके बाद यहां तक यह दूरी कितना तय किया, 2 किलोमीटर। फिर इसके बाद लौट के घर पे आ गया, 4 बजे घर पे आ गया, तो उसमें जो है विस्थापन अगर हम बात करें तो देखिए विस्थापन का मतलब क्या है कि अपने जगह से वह कितना दूर तक विस्थापित हुआ। जैसे कि लेट अगर हम यूज कर रहे हैं कि इस टूथपिक को कि यहां से इस पॉइंट पे हमने फेंका तो यहां पे अगर आ गया तो यह इतनी दूर विस्थापित हो गया, लेकिन फिर अगर वहीं पर वो चीज आ गई तो कहां विस्थापन कहां पे हुआ, लेकिन दूरी जो हो गई वह दुगुनी हो गई। ठीक है, जो इस पर कवर किया गया दूरी जो है वह दुगुना हो गया। विस्थापन जो है कि वह 0 भी हो सकता है। ठीक है, दूरी यहां पे आ जाइए कि दूरी क्या है हमारा कि यहां से 2 किलोमीटर, फिर यहां से 2 किलोमीटर, यह 4 किलोमीटर हो गया, लेकिन विस्थापन ने यहां पे 0 हो गया। ठीक है, चाल और वेग। ठीक है, चाल देखिए, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी क्या होती है कि ये जैसे डिस्टेंस और टाइम जो है कि कितना टाइम ले रहा है जाने में। यहां पे वेग की बात किया जाए तो यह किस में आ जाएगा कि हमारी एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। यह सदिश राशि में होगा, तो सदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है। जस्ट लाइक कि सोचिए कि इसी प्रकार अगर हम चर्चा करें तो देखिए यह इस प्रकार से गया, इसमें एक नोक है तो इस पॉइंट तक जा रहा है तो इसकी यह दिशा है, लेकिन फिर इस साइड घूम के आया तो इसकी लौटते टाइम इसकी जो है डायरेक्शन वहां चेंज हो गया। लेकिन अगर हम अदिश की बात करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो वह क्या हमारा होता है उसको हम बोलते हैं अदिश, अदिश। ओके, सदिश हमारा क्या हो गया, जिसमें वेग का, जिसमें हमको दिशा का अंतर पड़ता है। ठीक है, सदिश, तो इसमें क्या होता है, विस्थापन बटे समय हो जाता है। ठीक है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कोणीय वेग। कोणीय वेग देखिए यह सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो यह एक वेग से, जिस वेग से यह घुमा रहा है वह टोटल कितना है, 360 डिग्री है, डिग्री अपन 360। ठीक है, यह क्या हमारा कहलाता है, कोणीय वेग। एक एंगल पे जब यहां से देखिए यहां पे कुछ एंगल बनेगा, अगर इसको हम 90 डिग्री ले लेते हैं कि एक लाइन खींच देते हैं तो यहां पे कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, 360 डिग्री तभी ना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। यहां पे थीटा अगर हम लेके चल रहे हैं तो यह हमारा हो जाएगा कोणीय वेग। ठीक है, त्वरण, त्वरण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, और उसी से बना है एक्सीलरेट करना। ठीक है, बाइक में जो होती है एक्सीलरेट, सर एक्सीलरेट करना। एक्सीलरेट का मतलब कि अगर देखिए यहां पे 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर स्पीड से अगर हम चल रहे हैं तो नेक्स्ट वाला उससे बढ़ता चला जाएगा अगर उसी पे बैठे हैं। जैसे कि
कि आपने स्पीड अगर बढ़ा दिया कि अगर 40 पे बढ़ा दिया उसके बाद और उसको घुमाते गए तो 40 से प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी का अपोजिट होता है मंदन, अगर वह कम ही कर रहे हैं तो वह घटता चला जाएगा, उस स्पीड से घटता चला जाएगा। तो एक्सेलरेट का मतलब क्या है कि 2 किलोमीटर पर आवर से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसी पे आगे बढ़ता हुआ हम जितना, जैसा कि 40 किलोमीटर पर सेकंड कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर पर सेकंड से 40 किलोमीटर पर सेकंड पे जाने में उसको जो उसको हम क्या बोलेंगे कि त्वरण बोलेंगे। मंदन क्या है, उसका उल्टा, उसको रोकने की जो गति होती है उसको हम मंदन बोलते हैं, ठीक ठीक है। अब आ जाइए हम बल पे, फोर्स, फोर्स में आ जाते हैं। तो फोर्स क्या है कि जस्ट लाइक कि जैसे ये सोचिए कि इस पॉइंट पे हम जैसे कि लिख रहे हैं तो यहां पे हम एक बल लगा रहे हैं, ठीक है। उसको हम इस पॉइंट पे हम बल लगा रहे हैं कि जैसे देखिए रस्सी खींचा जा रहा है, एक ही साइड से खींचा जाएगा इस साइड में। इसमें भी क्या होता है कि डायरेक्शन का इसमें भी वैल्यू होता है, यह भी एक सदिश राशि होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट से कि अगर हम इस साइड खींचते हैं इसको तो इधर जाएगा, जिससे क्या होगा कि अगर दोनों साइड अगर हम खींचते हैं तो वहां यहां पर शून्यता आ जाएगी, जिससे कि दोनों डायवर्जन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस पॉइंट से हम इस साइड खींचेंगे तो यह पेन इस साइड चला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि यह हमको सदिश साबित कर रहा है कि अगर हम जैसे कि देखिए कि यहां पे इस पॉइंट पे दोनों साइड खींचे जा रहे हैं, अगर दोनों बल लगा रहे हैं कि 5 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, या भी 5 न्यूटन या भी 5 न्यूटन लगा रहा है, तो दोनों यहां पे एक स्थिर अवस्था आ जाएगी, जिसका भी बल ज्यादा अगर इस साइड 8 हो गया तो तुरंत इसके साइड रस्सी चली जाएगी या टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कि न्यूटन के तीनों नियम देखिए, फिजिक्स में तीन नियम मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूं। एक है हमारा गति का नियम, गति का किसका नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, ठीक है, गैलीलियो का। और न्यूटन का तीन नियम, और हमारा किसका न्यूटन, कैपलर का तीन नियम, कैपलर, ठीक है। न्यूटन का जो गति नियम क्या है, V=U+AT, एटी। एंड सेकंड क्या है, S=UT+ ½ AT² V²=U²+2AS, ठीक है, 2AS। ये हमारा किसका हो गया, गैलीलियो का नियम हो गया। न्यूटन का तीन नियम क्या है, देखिए पहला जड़त्व तो है, ठीक है, दूसरा सापेक्ष सर्वेक्षण है, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा जो है क्रिया प्रतिक्रिया का है, ठीक है। और कैपलर में आ जाते हैं, कैपलर ने किससे नियम दिया था, ग्रहों के गति नियम से दिया था। तो उन्होंने क्या बोला था, जो हमारा सूर्य है, सूर्य वह एक दीर्घ वृत्ताकार पे है और उसके साइड में कि लेट अगर हम इसको सन ले रहे हैं तो इसके एक दीर्घ वृत्ताकार तो एक पूरा सर्कुलर हो जाएगा, इलेप्टिकल दीर्घ वृत्ताकार में घूम रहा है, ठीक है। एक ग्रह जो होता है पृथ्वी या ग्रह, उसके इलेप्टिकल में दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। दूसरा क्या है, इसको इन्होंने बोला कि लेट अगर हम इसको, ये हमारा यहां पर हमारा सन है, सन हमारा है, ठीक है, यहां पे अगर अर्थ है, ठीक है, यहां पे अर्थ पूरा चक्कर लगाती है और इस पॉइंट तक जाते हुए जितना ये एरिया कवर करेगी, ठीक है, यहां पे क्या है, ये जो होगा हमेशा सेम होगा, ठीक है, जितना एरिया ये कवर करेगा। और उधर देखिए कि इधर जो है डिस्टेंस, लंबाई इधर ज्यादा है, इसकी इधर कम होती है, ठीक है, क्योंकि यह दीर्घ वृत्ताकार में बोला गया है। यह जियोग्राफी का भी पार्ट है, जिसको हम उपसौर और अपसौर के नाम से जानते हैं। अप जो होता है वह दूर होता है, यह हमारा किस टाइम आता है, यहां पे हमारी पृथ्वी यहां पे आती है जुलाई में, 4 जुलाई को, ओके। तो
यहां पे जितना एरिया कवर कर रहा है, जिसको हम बोले एरियल वेक्टर, जितना हमारा कवर कर रहा है उतना ही इस पे, यहां पे लंबाई बढ़ जाएगी तो यहां पे एरिया जो है, चौड़ाई उसका जो होगा वह कम हो जाएगा, चाप जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वह कम हो जाएगा। और थर्ड क्या है कि उसका जो आवर्तकाल होगा वह उसके बीच की दूरी के क्यूब होगा, इनवर्सली होगा, क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो यह भी बढ़ेगा, ठीक है। आवर्तकाल, आवर्तकाल किसको बोलते हैं कि वह कितने टाइम में उसका चक्कर लगा रहा है। आवेग, आवेग देखिए जैसे कि बैट बॉल खेला जाता है तो उसको बोला जाता है कि आवेग का मतलब है कि कितने कम समय में बहुत तेजी से चोट लगना, बहुत तेजी से, जस्ट लाइक कि अगर हम ये कर रहे हैं तो ये हमारा गति है, लेकिन अगर तुरंत ऐसे कर दिए तो ये हमारा आवेग में आएगा, कि मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया हो जाना वह आवेग में आता है, ठीक है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वी, एम वी, द्रव्यमान इंटू वेग को हम संवेग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट में अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री। अपकेंद्री का मतलब क्या हो जाता है कि देखिए अप, जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया कि अब अप और अभी, अभी का मतलब हो गया अंदर, जैसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अगर यहां पे, ठीक है, तो देखते हैं वॉशिंग मशीन जो होती है वह बाहर की तरफ फेंकता है, बाहर की तरफ कपड़े फेंकता है और उसके दरार टाइप की होती है, उसी में वह लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसमें घर्षण उत्पन्न होता है जिससे कपड़ा साफ हो जाता है, तो वह हमारा हो गया अपकेंद्री, ठीक है। अभिकेंद्री का मतलब होता है कि यही चीज उल्टा हो जाना, जैसे चक्रवात आता है तो चक्रवात जब होता है कि अंदर जो होता है निम्न, जब यहां पे इस निम्न क्षेत्र में जब हाई से, हाई से लो की तरफ आता है, यहां पे लो हो जाता है, तो जब अंदर आता है चक्रवात में, जबकि प्रति चक्रवात में क्या होता है बाहर की तरफ हवाएं जाती हैं, तो यह अपकेंद्री में क्या हो जाता है हमारा प्रति चक्रवात के जैसा, और अभिकेंद्री में हमारा चक्रवात के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, कार्य, ठीक है, कार्य का मतलब होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वहां फोर्स नहीं माना जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि विस्थापित करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट से लेके हम इस पॉइंट तक गए फिर इस पॉइंट पे ही आ गए, तो वह हमारा कार्य नहीं माना जाएगा। अगर जस्ट लाइक कि अगर ये दीवार है, इसको मजदूर तोड़ रहे हैं लेकिन तोड़ के इसको विस्थापित नहीं कर पाए, तो वह कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा, कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, किसी कार्य करने की, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होगी उसको हम ऊर्जा बोलते हैं, कि कोई काम करने के लिए जो हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। शक्ति, ठीक है, शक्ति क्या होता है कि अब इसमें जैसे कि कार्य और शक्ति, इसका जो मात्रक होता है एक ही होता है, मात्रक एक ही होता है, बल, ठीक है, सॉरी जूल, जूल, ठीक है। शक्ति में आ जाते हैं तो इसको हम मापते हैं किसमें, वाट में, ठीक है, कितना पावर है, ठीक है। पावर का मतलब कि कितना उसके अंदर ऊर्जा की क्षमताएं हैं, ऊर्जा की जो क्षमताएं हैं उसको हम शक्ति में डिनोट करते हैं। द्रव्यमान केंद्र, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का, जस्ट लाइक कि अगर हम यह उठा ले रहे हैं, ठीक है, इस टूथपिक को अगर हम उठा ले रहे हैं तो क्या हम इस साइड से, अगर इस साइड से उठाते हैं तो इसका मतलब है कि इसके द्रव्यमान केंद्र को मैंने यहां पे विस्थापित कर दिया। अगर हम बॉडी को लें तो जो नाभि होती है उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे हम हमारा द्रव्यमान केंद्र हो जाता है। अगर हम कोई बाल्टी उठाते हैं तो देखेंगे उसके अपोजिट साइड झुकते हैं, क्योंकि हम द्रव्यमान केंद्र को बैलेंस करना चाहते हैं। जब देखेंगे कि कोई गैस वाला जब साइकिल पे गैस लेके जाता है तो जिधर गैस का भार ज्यादा होता है उसके अपोजिट साइड वह होता है, तो वह किसका उदाहरण है, द्रव्यमान केंद्र का। बलाह घुड़, ठीक है, बलाव बल, आघूड़ जिसको हम बोलते हैं, तो इसका यह मतलब है कि देखिए कि एक ऐसी पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट पे बहुत सारे बल का एक साथ जुड़ना, ठीक है, जैसे कि ये दरवाजा, ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है और एक कब्जा है, इसी पे पूरा बल जो है कि वह बधा हुआ है एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे देखिए कि इसको लेके पूरा ऐसे करके मैं कर रहा हूं, तो यह कौन सा हमारा पॉइंट हुआ कि बलाघूड़ भी हमारा कहलाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने इसको कर दिया तो ये पूरी तरह से बध गया, अब इसको हम इधर ला रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया कि ये बलाघूड़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि पलायन वेग, एक होता है
कोणीय वेग एक होता है पलायन वेग, ठीक है। अब देखिए कि जस्ट लाइक ये मैप है, सॉरी ग्लोब है, तो इस पे अगर हमने यहां से कोई इसरो द्वारा छोड़ा गया तो कुछ ऐसी चीजें इतने वेग से हम फेंकें जिसको हम बोलते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जिससे कि यह बाहर चला जाए। इतना वेग से अगर हम फेंक देंगे तो वह बाहर चला जाएगा, इसका गुरुत्वाकर्षण इस पर काम नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि वह उसका पलायन वेग है। लेकिन कोणीय वेग क्या है कि जिस पे सैटेलाइट जिस पे यहां पे हम भेजेंगे एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे कि देखिए कि एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, कि जिस पे मैक्सिमम उसके बाहर, देखिए जैसे कि ये अर्थ सूर्य है और यहां पे एक अर्थ, यहां पे अर्थ हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण होगा, इसका भी गुरुत्वाकर्षण होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों का मैच कर जाएगा, बराबर होगा, तो वह चीज वहां पे ही लेके घूम जाएगा। जैसे कि देखिए कि यह इस पिन पे और इस पिन पे अटैच है, तो एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से यह ना तो ऊपर जा पा रहा है या नीचे नहीं जा पा रहा है, तो जिसकी वजह से यह घूम रहा है। तो यहां पे भी इस पॉइंट में कि सूर्य भी अपने साइड खींचेगा और दूसरा ग्रह भी खींचता है, जिसकी वजह से उसमें एक घूमने की उसमें बिना बिना ईंधन दिए वह घूम जाता है, क्योंकि वह छूटेगा, छूटे तो पृथ्वी पे आ जाए और बाहर जाए तो वह सन के साइड में चला जाए। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ऐसा बेल्ट होगा जहां पे दोनों बराबर लगाएंगे तो वहां पे ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट उसमें छोड़े जाते हैं, ठीक है। ग्रहों के गति नियम मैंने आपको बता दिया, इसके पहले ही मैंने जब फिजिक्स का तीन नियम बनाया तो तीनों नियम को मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। टॉलमी, ठीक है, ग्रह में आप बात में आ जाए तो देखिए टॉलमी पहले नंबर पे आते हैं, या बोलते हैं कि पृथ्वी जो है स्थिर है, सूर्य जो है इसका चक्कर लगाता है, ठीक है। यह पूछा जाता है कि इनका जो अवधारणा संकल्पना थी वह कि पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है, लेकिन इसका उल्टा है। किसने बोला? कोपरनिकस ने बोला, ठीक है। केपलर ने क्या बोला कि इसने कोपरनिकस ने क्या बोला कि बस ग्रहों की बात किया, इन्होंने क्या बोला कि सूर्य की बात कर दिया, ठीक है, सूर्य की बात कर दिया। और इन्होंने टी वही टी स्क्वायर ए क्यूब, जहां पे ए बराबर क्या है, रेडियस है किसी ग्रह का। आ जाइए दाब को हम चर्चा कर लेते हैं। दाब में हमारा देखिए कि प्रेशर लगाया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी क्षेत्रफल के अनुसार अगर उसको प्रेशर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि किसी पृष्ठ, कोई एक ऐसा पृष्ठ पे जो लिमिटेड एरिया पे हम लेके प्रेशर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं दाब, ठीक है। यह दाब और रिलेशन होता है ताप में, अपोजिट का, ठीक है। यह पूछा जाता है कि जब कॉन्सेप्ट की बात आ रही है तो इस पर मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। जब ताप बढ़ाएंगे तो दाब जो है हमारा कम होगा, ठीक है, और जब हम ताप दाब बढ़ा देंगे तो ताप हमारा कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव, जैसे कि हम वर्षा की बूंदे या पानी की बूंदे ले लेते हैं, अपने क्षेत्रफल को सबसे कम करने की क्षमता को ही हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं, कि जैसे कि पानी का बूंद होता है वह सिकुड़ जाता है, तो वह अपने क्षेत्रफल को जो होता है सबसे कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। विस्कोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, संयमता, संयमता, ठीक है। सयानता का मतलब होता है कि किसी भी, जब पिघल रहा है कोई चीज, पिघल रहा है तो उसके बाहर की जो गति कर रहा है तो उसका विरोध करना, ठीक है, गति का विरोध करता है उसको सयानता का मतलब यह से है कि सयान फैलने से उसको रोक रहा है, ठीक है। यह तो पृष्ठ तनाव में भी होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव पानी में भी होगा, मधु में भी होगा, लेकिन विस्कोसिटी से उसके अंतर्गत जो अणु है उसको बंद करने की बात हो रहा है, उसको कितनी प्रेशर से उसको अपने पास लपेटे रहता है उसको हम बोलते हैं कि विस्कोसिटी सयानता। जैसे मधु और जल, ठीक है, इसमें मधु का जो होता है सयानता सर्वाधिक होगा। ऐसे जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें डायरेक्टली देखिए कि कौन अपने आप को घनत्व जो है कौन कम करके रखा है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको घनत्व को समझाया था, उससे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता का मतलब किसी, इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो प्रत्यास्थता का मतलब है कि किसी चीज को कितनी हम खींच सकते हैं वह उसकी प्रत्यास्थता कहलाता है। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन होता है? धातु में स्टील होती है, इसी के लिए देखेंगे कि यूज किया जाता है पुल बनाने में, ठीक है, और ऐसे में रबड़ होता है, ठीक है, धातु में स्टील और ऐसे में रबड़। उष्मा, उष्मा,
ठीक है, उष्मा जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है, हीट जो हमको प्राप्त होती है, उसी को हम उष्मा बोलते हैं। चालन, विकिरण और संवहन। चालन किसमें होता है? धातुओं में होता है। ठीक है, देखिए तीन प्रकार से कोई चीज गति करता है। ठीक है, तो एक चालन हो गया, तो चालन धातुओं में क्या है कि अपने पास, जैसे कि आप देखें कि कोई चीज अगर यहां पे गर्म कर रहे हैं तो वह एक पॉइंट पे, यहां पे जैसे गर्म करते हैं कि अगर जैसे कड़ाही गर्म किया जाता है तो धीरे 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 करके देखेंगे पूरी कड़ाही गर्म हो जाएगी, तो वह ऐसे ऐसे ट्रांसफर होता रहता है कि ऐसे ऐसे करता रहता है। लेकिन विकिरण, विकिरण इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और सेकंड थर्ड आ गया हमारा संवहन। संवहन में क्या होगा कि वह अपने एक अणु को देगा, वह नीचे आएगा जो सेकंड वाला है, फिर इसके बाद इधर जाएगा अणु जो गर्म हो गया, ऊपर जाएगा जो ठंडा, वह नीचे आएगा। यह जैसे कि पानी गर्म किया जाता है, और यह कौन किस प्रकार की गर्मी के लिए किया जाता है? धातुओं में। क्या धातु के अणु पीछे जाएंगे फिर आएंगे? ऐसा नहीं होगा, वह अपने वाले को ट्रांसफर करते जाते हैं। लेकिन पानी जब हम गर्म करते हैं तो देखते हैं उबलता है। उबलता का मतलब ऊपर वाला जब ठंडा हो जाता है तो नीचे जाता है, और जो नीचे वाला होता है ऊपर जाता है। इस की क्रिया चलती रहती है। किरचॉफ का रूल, किरचॉफ का क्या कहना था कि जो सबसे अच्छा अवशोषक है वही सबसे अच्छा उत्सर्जक भी है। जो अच्छे से अवशोषक अवशोषित कर लेता है, जैसे जस्ट लाइक काला तवा, ठीक है, काला तवा, ठीक है, इसमें जितने भी हमको काली क्यों दिखाई देते हैं, सारे जो विकिरण होते हैं कि उनको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हमको सफेद, सफेद का क्या है? एक खूबी होती है कि यह किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी कलर को वह अपने आप मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमको सफेद दिखता है। अगर काला काला इसलिए दिखता है क्योंकि वह सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए तरंग, जिसको हम वेव बोलते हैं। ठीक है, वेव, तरंग विद्युत चुंबकी और यांत्रिक तरंगे। तरंगों के जो प्रकार हैं वह देखिए माध्यम के अनुसार बोले गए हैं। प्रत्यास्थ जिनको यांत्रिक और विद्युत, विद्युत बोला गया है। ठीक है, तरंग एक इस प्रकार से चलता है, ठीक है, और एक इस प्रकार से चलता है, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, यह यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, जैसे देखिए यांत्रिक तरंगों का क्या मतलब है कि हम यह कहना चाह रहे हैं कि उसमें यंत्र जब हम कोई चीज बजाते हैं तो उसमें देखेंगे कि उसमें फ्लक्चुएशन होता है, कि इस प्रकार से फ्लक्चुएशन होता है, ना कि इस प्रकार से। ठीक है, जैसे रस्सी होती है वैसे फ्लक्चुएशन नहीं होता, लेकिन जब हम बजाते हैं हारमोनियम या कोई चीज बजाते हैं तो उसके इस प्रकार से होती है, जैसे ध्वनि होती है। ठीक है, माध्यम में कणों के कंपन के अनुसार अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में कौन सी आती है? प्रकाश तरंगे, और इसमें कौन सी आती है? अनुदैर्ध्य में आती है ध्वनि। इसको याद कैसे करेंगे? यहां पे देखिए धा है और यहां पे प्रा है। ठीक है, और इसी में ही अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ भी होती है। जब यह ध्वनि जो है, ध्वनि अनुप्रस्थ भी होती है जब वह पानी के सरफेस पे होता है। पानी के ऊपर में जब देखते हैं तो वह बहुत तेज से साउंड बजाएंगे तो वह ऊपर से हिलता है, तो उस टाइम वह क्या होगा? अनुप्रस्थ हो जाता है। ठीक, ऊर्जा गमन के अनुसार पे प्रगामी और अप्रगामी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, हमारा प्रकाश है। ठीक है, कॉन्सेप्ट टॉक है, तो इसलिए हम सारे टॉपिक को आप एक रिवीजन भी बेस इसको मान लीजिए। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन का मतलब क्या है कि एक हम लेंस ले रहे हैं कि इस पर परावर्तित आ रही है तो यहां से तुरंत गुजर जा रही, तो यह हमारा क्या होता है? परावर्तन। अगर यहीं से इस पॉइंट से होके यह अंदर चली जा रही है और हमको उसकी वस्तुतः स्थिति पे कुछ अंतर दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन का मतलब कि वह प्रतिबिंब उसका बन जा रहा है। अपवर्तन का मतलब होता है कि नेक्स्ट माध्यम में चला जाए। वह सरल एवं विरल माध्यम भी होता है। सरल, ठीक है, सघन, सरल नहीं, सघन। सघन माध्यम का मतलब जिसका घनत्व तो जो है वेस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे तेल और जल की बात किया जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक जब हम उसके एक रियल वैल्यू में कितना हमको दिख रहा है, इसके बाद नीचे जो लेट हम यहां पे देखिए इस पॉइंट पे इसका कुछ अपवर्तनांक होगा जल का और नीचे तेल का। ठीक है, तो इनका जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमारा क्या होता है कि वह अपवर्तनांक उस वस्तु के सापेक्ष में कहा जाता है। ठीक है, दर्पण में आ जाइए। दर्पण देखिए यही दर्पण है कि उसको रिफ्लेक्ट करने को ही दर्पण हम बोल रहे हैं। तो एक होता है समतल दर्पण, एक साइड से दूसरे साइड कलई कर दिया जाता है। एक होता है
गोली दर्पण। गोली दर्पण में दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ये आपको टेंथ में बताया गया होगा। जब यह बाहर वाले क्षेत्र से परावर्तित होता है तो हमारा होता है उत्तल, और जब यही अंदर वाले क्षेत्र से होता है, इस वाले क्षेत्र से परावर्तित होता है, ठीक है, तो ये हमारा होता है अवतल। ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है। अब आ जाइए कि जब हम यह बता रहे हैं तो ये हमारा फोकस, ठीक है, फोकस दूरी क्या क्या कहलाता है, ये देखिए इस पॉइंट पे है, तो ये हमारा क्या कहलाता है कि इस पॉइंट से ये हमारा ध्रुव है, ठीक है, और ये हमारा केंद्र है, तो इतने इसका आधा जो होगा, इसका आधा, ये हमारा फोकस दूरी कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसको हम बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या से इसको आर से डिवाइड कर डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी इसका आधा जो होता है उसको हम एफ बोलते हैं, ठीक है। ध्रुव इसको हम पोल बोलते हैं कि जिस पॉइंट से आके टकरा रही है प्रकाश। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का मतलब होता है कि जिसे आई आर साइन आई आर साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि सघन विरल, मैंने आपको बता दिया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक स्थिति ऐसी आती है जब परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन के टाइम में ऐसी स्थिति आती है। देखिए यहां से इस पॉइंट में आपने देखा होगा कि काफी बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीजें देख रहे हैं, वह वहां पे वो वस्तुतः स्थिति नहीं रहती है, उसकी उल्टी चीजें दिखती हैं, ठीक है। जैसे सड़क पे देखेंगे कि या ऐसे लगेगा कि जैसे पानी गिरा है, लेकिन जब वहां पे जाएंगे तो देखेंगे पानी नहीं गिरा होता है, ठीक है। तो यहां पे आप अगर हैं, यहां पे आप हैं तो इस पॉइंट से देखेंगे तो यहां पे आपको पानी लग रहा है, लेकिन यह काफी दूर जाने के बाद, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पानी नहीं रहता, तो स्थिति क्या होती है कि इस पॉइंट से क्रांतिक आर से, ठीक है, हम जब इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए आई होता है और इधर जो जा रहा है ये आर होता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जब ये हमारा आई जो होता है लगभग जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है, आई जब हमारा जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहां से जो हमारा एंगल निकलता है तो वह हमको एक ऑब्जेक्ट, उल्टा ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखता है, जिससे एक मिरिच मरीचिका जो होती है वह सबसे बड़ा जो फेमस है मिरिच मरीचिका है, ठीक है। तो वह हमारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं आईटीआर, ठीक है। तो आज से यही एक छोटा वीडियो, नेक्स्ट इसी का दूसरा ही पार्ट हम जल्द ले आएंगे। धन्यवाद।